नमस्ते दोस्तों जब भी आपके एग्जाम में बंदर संबंधी सवाल आए कि बंदर चढ़ता है फिसलता है तब आपको कोई भी फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है ना ही आपको कोई चित्र बनाने की जरूरत है इस चित्र को काट दो फॉर्मूला को काट दो आप यहां फॉर्मूला याद कर लेंगे एग्जाम में भूल जाएंगे क्या मतलब निकला तो आपको बस कॉमन सेंस लगाकर 10 सेकंड में आंसर देना है तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा तो आइए इस फॉर्मूले को इस, इसको मिटा देते हैं और डायरेक्ट सवाल को समझते हैं देखो पहले डायरेक्ट सवाल को पढ़ते हैं फिर समझते हैं एक बंदर पचास मीटर खंबे पर चढ़ने के लिए पहले एक मिनट में पांच मीटर चढ़ता है पहले एक मिनट में पांच मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में दो मीटर नीचे फिसलता है नीचे खिसकता है बंदर को सिरे यानी टॉप पर पहुंचने में कितना समय लगेगा देखिए पहले मिनट में पांच मीटर ऊपर चढ़ता है यानी पांच मीटर ऊपर चढ़ता है यानी पॉजिटिव जब ऊपर चढ़ता है तो पॉजिटिव वर्क यानी अप होता है तो पॉजिटिव वर्क और दूसरे मिनट में दो मीटर नीचे खिसकता है दो मीटर नीचे खिसकता है यानी डाउन तो निगेटिव बर्क यानी माइनस लेंगे दो मीटर पहले मिनट में पांच चढ़ा था दूसरे मिनट में दो उतर गया यानी दो मिनट में क्या हुआ दो मिनट में दो मिनट में ओनली वो पांच चढ़ा था दो खिसक गया यानी तीन मीटर चढ़ पाया तीन मीटर चढ़ा पाया क्योंकि पांच चढ़ा था दो तो खिसकी गया तो तीन मीटर बचा कि पहले मिनट में पाँच चढ़ा था दूसरे मिनट में दो नीचे खिसक गया तो पहला मिनट दूसरा मिनट यानी दो मिनट हो गए दो मिनट में ओवरऑल तीन मीटर चढ़ा अपन को चढ़ाना है पचास मीटर अपन को पचास मीटर चढ़ाना है तो आप डायरेक्ट पचास मीटर ना चढ़ाइए डायरेक्ट आप पचास मीटर चढ़ाएंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि दो मिनट में तीस मीटर चढ़ाया अगले दो मिनट में भी तीन मीटर चढ़ेगा सॉरी तीन मीटर अगले दो मिनट में तीन मीटर चढ़ेगा ऐसे ही दो मिनट में तीन तीन मीटर चढ़ेगा तो आप डायरेक्ट पचास मीटर मत चढ़ाइए आप पॉजिटिव वर्क उसमें से पहले सब ट्रैक यानी घटा लीजिए पचास मीटर चढ़ाना है तो पॉजिटिव वर्क कितना है पाँच पाँच चढ़ा रहा पॉजिटिव वर्क यानी पाँच है तो आप पहले पैंतालीस मीटर चढ़ाइए पैंतालीस मीटर चढ़ाइए पचास में से पाँच पहले घटा लीजिए यानी पैंतालीस मीटर चढ़ाने की कोशिश कीजिए क्योंकि जब आप 45 मीटर चढ़ा लेंगे तो डायरेक्ट पांच मीटर की छलांग लगाएंगे और ऊपर टॉप पर पहुंच जाएंगे इसलिए पहले 45 मीटर चढ़ाइए देखो दो मिनट में जब तीन मीटर चढ़ता है तो 45 मीटर चढ़ने के लिए यानी 45 मीटर चढ़ने के लिए क्या करना हुआ दोनों उतरा पंद्रह से गुड़ा पंद्रह ती 45 पंद्रह ती कितने होते पैंतालीस पैंतालीस मीटर पैंतालीस मीटर चढ़े जाएगा जब इस साइड पंद्रह से गुणा किया तो साइड भी पंद्रह से गुणा करेंगे पैंतालीस मीटर चढ़ने के लिए पंद्रह दूनी तीस मिनट लगेंगे कितने मिनट लगेंगे तीस मिनट लगेंगे पैंतालीस मीटर चढ़ने के लिए तीस मिनट लगेंगे तीस मिनट वो अगले मिनट में क्या होगा अगले मिनट में अब खिसकेगा नहीं डायरेक्ट चढ़ जाएगा ऊपर अगले मिनट में पाँच अगले मिनट में एक मिनट में पाँच मीटर चढ़ता है तो अगले मिनट में पाँच मीटर चढ़ जाएगा और यहाँ पर कितने मिनट तीस मिनट पहले थी और एक महीने हो गया तो ओनली इकतीस मिनट में पचास मीटर चढ़ जाएगा पैंतालीस पाँच पचास मीटर हो गए तो ओनली इकतीस मिनट लगेंगे तो ऐसे करना है आपको पहले पॉजिटिव वर्क उतना घटा लेना है जितना चढ़ाना है अगला सवाल आप देखो कितनी स्पीड में करते हो अब दूसरा क्वेश्चन देखना आप कितनी स्पीड में सॉल्व टॉप तो पर पहुंचने में कितना समय लगेगा अब आपको डायरेक्ट करना वो लिखते नहीं रहना है पहले मिनट में क्या पंद्रह मीटर चढ़ता है यानी पॉजिटिव पंद्रह हो गए और दूसरे मिनट में बारह खिसक गया तो बारह डाउन हो गया मतलब माइनस में बारह पंद्रह में से बारह चले गए तो कितने बजे तीन यानी दो मिनट में क्या हो गया मांझरा तीन मीटर ओनली चढ़ पाया बंदर क्योंकि पंद्रह चढ़ाता है और बारह खिसक तो गया तो खिसक गया यानी निगेटिव में लेंगे तो दो मिनट में तीन मीटर चढ़ पाया क्योंकि पंद्रह चढ़ाता तो बारह खिसक गया तीन मीटर बचे अपन को चढ़ाना है पैंतालीस मीटर तो हमने क्या कहा था डायरेक्ट पैंतालीस मीटर ना चढ़ाइए पहले पॉजिटिव वर्क हटा लीजिए उसमें से पैंतालीस मीटर चढ़ाना है तो पैंतालीस में से पंद्रह पहले कम कर लेंगे पैंतालीस में से पंद्रह कम कर लेंगे यानी तीस मीटर चढ़ाएंगे पहले तीस मीटर चढ़ाएंगे पैंतालीस में से पंद्रह पहले कम कर लेंगे यानी तीस मीटर चढ़ाएंगे क्योंकि फिर पंद्रह की डायरेक्ट जंप मारेंगे तो टॉप पर पहुंच जाएंगे तो देखिए तीस मीटर चढ़ाना है जब तीन मीटर दो मिनट में चढ़ता है तीन मीटर दो मिनट में चढ़ता है तो तीस मीटर चढ़ाना है अपन को तो दस से यहाँ गुणा कर देंगे दस ती तीस तो दस से यहाँ गुणा करना पड़ेगा यानी तीस मीटर चढ़ गया कितने मिनट में दस धूनी बीस मिनट में बीस मिनट में चढ़ गया भाई साहब तीस मीटर बीस मिनट में चढ़ गया अब अगले मीटर अगले मिनट में क्या होगा कि वो डायरेक्ट पंद्रह मीटर चढ़ जाएगा अगले मिनट में क्या होगा अगले एक मिनट में क्या होगा डायरेक्ट पंद्रह मीटर चढ़ जाएगा यानी यहाँ पर तीस मीटर और पंद्रह मीटर कितने हो गए पैंतालीस मीटर पूरा चढ़ गया अब अंदर वो भी कितने मिनट में बीस और एक इक्कीस मिनट में तो डायरेक्ट आपको ऐसी सोचना है आपको कोई भी फॉर्मूला वामूला लगा के नहीं फिरना है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पर ऐसी ट्रैक और जो आप कहोगे जो आप कमेंट में लिखो उसी की ट्रैक बना दूंगा और आप बहुत स्पीड में कर पाओगे सवाल को चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें थैंक यू बाय बाय